Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss some other numerical problems which are based on chemical kinetics chapter. So listen, this numerical is a new type of numerical and listen, it is very simple. Now question is, for the reaction 2A plus B gives out 2C plus 3D. इट मीन्स क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखी है 2a plus b gives out 2c plus 3d और क्या दिया है द रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ c इज 1 मोल पर लीटर. इट मीन्स क्वेश्चन में हमको रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ c दिया हुआ है. व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ c? इट मीन्स क्वेश्चन में हमें dc by dt की वैल्यू दी है. व्हाट इज dc by dt? d concentration of c upon dt means rate of change of concentration of c. यही क्या है rate of change of concentration of c. इसको क्या कहते हैं concentration of c divided by time. It means dc by dt. dc by dt की value question में कितनी दी है 1 mole per liter. Question में क्या क्या रहा है find the rate of reaction and rate ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड डी. इट मीन्स क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है यू हैव टू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन. इस रिएक्शन का रेट क्या होगा और क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड डी और क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए. इट मीन्स डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इसको क्या कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए कहेंगे. बट हमें पता है ए क्या है रिएक्टेंट है एंड लिसन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम. हमें पता है जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन होती है वो टाइम के साथ साथ घटती जाती है और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है क्योंकि धीरे धीरे हमारा रिएक्टेंट चेंज होता है किसमें प्रोडक्ट में तो रिएक्टेंट घटेगा और प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ेगी. सो लिसन इट मींस द रेट ऑफ चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ ए इट इज डिनोटेड बाय डीए बाय डीटी बट लिसन दिस विल बी नेगेटिव साइन. ये कौन सा साइन का होगा ये नेगेटिव साइन का होगा बिकॉज नेगेटिव साइन क्या सिग्निफाई कर रहा है नेगेटिव साइन शोज दैट द कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. इट मीन्स ये नेगेटिव साइन क्या शो करता है कि ए रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ घट रही है. सो लिसन सो द रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए जो हमें निकालना है वो होगा क्या एक्चुअल में इट विल बी माइनस डी ए बाई डी टी. ये क्या होगा माइनस डी ए बाई डी टी हमको निकालना है और क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी. इट मीन्स हमें पता है बी भी हमारा क्या है बी इज आल्सो अ रिएक्टेंट बी भी एक रिएक्टेंट है. इट मीन्स हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ बी निकालना है. इट मीन्स हमें माइनस डी बी बाई डी टी की वैल्यू भी निकालनी है और क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी. इट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ कैपिटल डी. इट मीन्स हमें पता है डी क्या है डी इज प्रोडक्ट और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ती है इसलिए हम यहाँ पर कोई भी नेगेटिव साइन का यूज नहीं करेंगे बिकॉज यहाँ पॉजिटिव साइन यूज होगा बिकॉज द कंसेंट्रेशन ऑफ डी इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्योंकि डी की कंसेंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ती जाएगी बिकॉज डी इज प्रोडक्ट. इट मीन्स रेट ऑफ चेंज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ डी ये भी हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है. इट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट दीज थ्री थिंग्स ऑल्सो. हमें क्या क्या निकालना है माइनस डी ए बाई डी टी वॉट इज दिस रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए इसको क्या कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए या ए के
ए रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन चेंज होने का रेट क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। इसको और भी क्या कह सकते हैं, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ए रिएक्टेंट धीरे धीरे इसकी क्वांटिटी कम हो रही होगी या ये डिसअपीयर हो रहा होगा, मींस गायब हो रहा होगा। ए की कंसेंट्रेशन या ए की क्वांटिटी कम हो रही होगी, इसलिए इस रेट को और भी क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए या रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, ये भी कह सकते हैं, या और भी क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए, इसी को रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए भी कहते हैं। सिमिलरली व्हाट इज माइनस डी बी बाई डी टी, इट इज रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी। ये क्या है, रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी। रेट हमको पता है क्या होता है, रेट मीन्स स्पीड, स्पीड मीन्स कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम, तो ये कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम की तरह ही लिखा हुआ है। बट व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी, और वी कैन से दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, इसी को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी भी कह सकते हैं, क्योंकि बी की भी कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ कम होगी, या बी डिसअपीयर होगा टाइम के साथ साथ, या बी गायब होगा धीरे धीरे टाइम के साथ साथ, और किसमें चेंज होगा, सी और डी में। तो इसको क्या बोलेंगे, डी डी बाई डी टी मीन्स व्हाट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, इसी को हम रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी भी कह सकते हैं, या और भी क्या कह सकते हैं, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ डी इसको नहीं कह सकते, क्योंकि डी जो है फॉर्म होगा, बनेगा, प्रोड्यूस होगा, ना कि डीकम्पोज होगा, क्योंकि रिएक्टेंट डीकम्पोज होते हैं, डिसअपीयर होते हैं, बट प्रोडक्ट हमेशा प्रोड्यूस होते हैं या फॉर्म होते हैं, इसलिए डी डी बाई डी टी को हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी, या और भी क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ डी। सो लिसन, और क्या बोल सकते हैं डी डी बाई डी टी को, इट इज रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ डी, रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ डी, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया गया था। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए मीन्स माइनस डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी इट मीन्स माइनस डी बी बाई डी टी, या रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ डी इट मीन्स प्लस डी डी बाई डी टी। हमें माइनस प्लस का ध्यान रखना है, माइनस हमेशा रिएक्टेंट में लगता है और प्लस हमेशा प्रोडक्ट के रेट में लगेगा, क्योंकि माइनस साइन क्या शो करता है कि रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ घट रही है, और प्लस साइन क्या शो करता है कि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन टाइम के साथ साथ बढ़ रही है। नाउ लिसन, नाउ वी मूव टूवर्ड सोल्यूशन, अब हम इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सो लिसन, फर्स्ट वी राइट द गिवन केमिकल रिएक्शन, सबसे पहले हम जो केमिकल रिएक्शन दी गई है उसको लिख लेते हैं, 2a plus b gives out 2c plus 3d। सो लिसन, 2a plus b gives out 2c plus 3d। नाउ वी राइट द रेट इक्वेशन, अब हम इस केमिकल रिएक्शन की क्या लिखेंगे, रेट इक्वेशन। दिस इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड इट इज वेरी वेरी इजी, ये बहुत इजी भी है। बट लिसन, कंसंट्रेट हियर, यहां पर कंसंट्रेट करिए, सबसे पहले हम इक्वेशन को देखेंगे और इसकी इस केमिकल रिएक्शन की रेट इक्वेशन को लिखते चले जाएंगे, देखिए कैसे। लिसन हियर एंड लिसन लुक हियर, सो 2a plus b, तो जो हमारा कोफिशियंट होगा रिएक्टेंट का, तो हम उसको 1 अपॉन करके लिखेंगे, इट मीन्स ये हो गया 1 अपॉन 2। हमें पता है a क्या है, कैपिटल a इज व्हाट, कैपिटल a इज रिएक्टेंट, और रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट डीकम्पोज होता है, टूटता है, या डिसअपीयरेंस, डिसअपीयर होता है, इट मीन्स रिएक्टेंट के रेट को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए। रिएक्टेंट ए के
रेट को और क्या बोल सकते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यहां पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या और भी क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, और जो आगे टू कोफिशियंट लगा था उसको क्या कर देते हैं, वन अपॉन टू। सो लिसन नाउ वी मूव टूवर्ड्स बी, अब हम इक्वल का साइन लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे बी रिएक्टेंट पर। तो हमें पता है बी का कोफिशियंट कितना है, द कोफिशियंट ऑफ बी इज वन हेयर, यहां बी का कोफिशियंट वन है तो यहां कर देंगे वन अपॉन वन। हमने बताया जो कोफिशियंट होगा उसको वन अपॉन करके लिखा जाता है, तो यहां वन है तो वन अपॉन वन हो गया। बी भी हमारा रिएक्टेंट है तो बी के रेट को क्या लिखेंगे, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ बी, या इसी को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी भी लिख सकते हैं, या इसी को रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी भी लिख सकते हैं। सो इट इज इक्वल टू, अब हम चलते हैं प्रोडक्ट सी की तरफ। तो हमने बताया जो कोफिशियंट है उसको वन अपॉन करके लिखना है, सो वन अपॉन टू रेट ऑफ सी, क्या होता है प्रोडक्ट, सी इज प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमेशा बनते हैं या फॉर्म होते हैं। सो लिसन, सो इट वन अपॉन टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, यहां रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी होगा ना कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ सी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इसलिए हुआ है क्योंकि सी प्रोडक्ट है जो कि बनता है या फॉर्म होता है, सो दिस विल बी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी। नाउ इट इज इक्वल टू, नाउ वी मूव टूवर्ड्स कैपिटल डी, इट इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री, ये थ्री नीचे आ जाएगा वन अपॉन थ्री, और इसको क्या लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल डी, जो डी है वो भी प्रोडक्ट है, ये भी फॉर्म होगा या बनेगा रिएक्शन में, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, इसके रेट को लिखेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कैपिटल डी। सो लिसन, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड एज रेट इक्वेशन, यही क्या है, रेट इक्वेशन। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। हमने क्या किया, जो भी कोफिशियंट थे रिएक्टेंट के उनको वन अपॉन करके लिख दिया और सभी के रेट को लिख दिया और रेट से उसके मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे 2a का मतलब क्या, वन अपॉन टू इंटू रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इक्वल टू वन अपॉन वन रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ बी, इक्वल टू वन अपॉन टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इक्वल टू वन अपॉन थ्री रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी। सो लिसन नाउ वी कैन राइट रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए मीन्स वॉट, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए है क्या, इट मीन्स माइनस डी ए बाई डी टी, माइनस डी ए बाई डी टी होगा क्योंकि हम यहां माइनस का साइन इसलिए लगाएंगे क्योंकि ए की कंसेंट्रेशन क्या हो रही है, टाइम के साथ साथ घट रही है, इसलिए रिएक्टेंट के केस में हम हमेशा माइनस लगाते हैं। बी भी हमारा रिएक्टेंट है तो रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ बी क्या होगा, इट विल बी माइनस डी बी बाई डी टी एंड इट इज इक्वल टू वन अपॉन टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, इट मीन डी सी बाई डी टी, ये क्वेश्चन में दिया भी गया है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी या रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सी दोनों एक ही चीजें हैं, सो इट इज इक्वल टू डी सी बाई डी टी बिकॉज सी इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हम निगेटिव नहीं लगा सकते, प्रोडक्ट में हमेशा पॉजिटिव लगाते हैं, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन हमेशा टाइम के साथ साथ बढ़ती जाती है। नाउ इट इज इक्वल टू वन अपॉन थ्री रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी मीन्स डी डी बाई डी टी बिकॉज डी इज ऑल्सो प्रोडक्ट, सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी विल बी डी डी बाई डी टी। नाउ लिसन, दिस इक्वेशन इज सम लाइक ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, इस इक्वेशन में चार चीजें आपस में बराबर हैं कुछ इस तरह से, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें डी सी बाई डी टी की वैल्यू दी गई है, इट मीन्स हमें क्या पता है, ये जो डी सी बाई डी टी है ये क्वेश्चन में दिया गया है, द रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ सी इज वन मोल पर लीटर, ये क्वेश्चन में दिया गया है, इट मीन्स वी नो दैट डी सी बाई डी टी आर प्लस डी सी बाई डी टी इक्वल टू वन मोल पर लीटर। अगर हमें डी सी बाई डी टी पता है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इसको आपस में इक्वलाइज कर सकते हैं, तो हमें
माइनस डी ए बाई डी टी निकल आएगा, इट मीन्स हमें पता चल जाएगा माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू, और यही हमें क्या करना है, निकालना है। इसका मतलब हमें रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए पता चल जाएगा जब हम पहले और तीसरे को क्या करेंगे, इक्वलाइज करें। सॉल्यूशन, इफ वी कंसीडर दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट एंड दिस इज फोर्थ पार्ट, इट मीन्स हमें रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए चाहिए, तो हम फर्स्ट और थर्ड को इक्वलाइज करके माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें चाहिए रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी, इट मीन्स वी रिक्वायर माइनस डी बी बाई डी टी। तो माइनस डी बी बाई डी टी हमको कब मिलेगा, जब हम सेकेंड और थर्ड को आपस में इक्वलाइज कर दें, तो हमें मिल जाएगा माइनस डी बी बाई डी टी की वैल्यू। और हमें क्या चाहिए, डी डी बाई डी टी, इट मीन्स हमें डी डी बाई डी टी कब मिलेगा, जब हम क्या करें, डी डी बाई डी टी हमें निकालना है, तो हम डी डी बाई डी टी वाले को किससे इक्वलाइज कर दें, थर्ड से, मीन्स फोर को थर्ड से इक्वलाइज कर दें, तो हमें किसकी वैल्यू पता चल जाएगी, डी डी बाई डी टी की। क्यों हम थर्ड वाले से ही सबको इक्वलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जो थर्ड वाला पोर्शन है डीसी बाई डी टी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखी है। सो वी इक्वलाइज ऑल दीज पार्ट वन टू एंड फोर विद थ्री, इसलिए हम पार्ट वन टू और फोर को किससे इक्वलाइज करते हैं, थर्ड वाले से। सो लिसन, फर्स्ट वी इक्वलाइज वन एंड थर्ड पार्ट, सबसे पहले हम इक्वलाइज करेंगे पहला और तीसरा पार्ट। सो यू कैन सी इट इज वेरी सिंपल, अगर हम फर्स्ट और थर्ड को इक्वलाइज करते हैं, वी इक्वलाइज वन एंड थ्री, तो वन और थ्री को इक्वलाइज करें, मीन्स वन और ये क्या है थ्री, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू वॉट माइनस डी कंसेंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाई डी टी, और ये किसके बराबर होगा, थर्ड पर वन अपॉन टू इंटू डी सी बाई डी टी। हमको पता है डी सी बाई डी टी ये क्वेश्चन में कितना दिया है, सिंस dc by dt it is given one mole per liter, तो ये वन मोल पर लीटर है, इट मीन्स वन अपॉन टू इंटू वन, और ये टू हमें इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस डी ए बाई डी टी की। तो माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू निकालने के लिए हमें टू को इधर भेजना पड़ेगा, इट मीन्स माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू कितनी आ गई, इट इज इक्वल टू वन मोल पर लीटर। इसका मतलब हमें एक चीज पता चल गई, माइनस डी ए बाई डी टी, ये है क्या, व्हाट इज दिस, दिस इज रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए, या इसी को और भी क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए। ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, व्हाट विल बी रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ ए, तो भी हमें माइनस डी ए बाई डी टी निकालना पड़ेगा। और हमें क्या पता करना है, और हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, इट मीन्स ए के जो गायब होने की दर होगी या रेट होगा, वो भी क्या होगा, माइनस डी ए बाई डी टी। इट मीन्स पहला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया जब हमने किसको इक्वलाइज किया, वन और थ्री को। अब हम किसको इक्वलाइज करेंगे, टू और थ्री को, जिससे कि हमको क्या मिल जाए,
डीबी बाई डी टी की वैल्यू माइनस डीबी बाई डी टी की वैल्यू. सो आई होप यू हैव नोटेड इट. सो आई एम रफिंग इट. सो लिसन, नाउ वी इक्वलाइज अब हम इक्वलाइज करेंगे किसको, टू और थ्री को. टू और थ्री को इक्वलाइज करने का मतलब वन बाई वन मीन्स वन, और किसी चीज को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा. इट मीन्स द लेफ्ट साइड है टू, मीन्स टू की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस डीबी बाई डी टी, बिकॉज वन बाई वन मीन्स वन, और वन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज आ जाएगी. एंड इट इज इक्वल टू वन अपॉन टू इन टू वॉट, डी सी बाई डी टी. और डी सी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, वन मोल पर लीटर. यहां से हम पुट कर देंगे, ये वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में. सो इट इज इक्वल टू वन. सो माइनस डीबी बाई डी टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन अपॉन टू इन टू वन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वन अपॉन टू. सिंस डी सी बाई डी टी इक्वल टू, क्योंकि डी सी बाई डी टी की वैल्यू कितनी है, वन मोल पर लीटर, जो कि क्वेश्चन में दी गई है. सो माइनस डीबी बाई डी टी की वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया है. सो व्हाट इज माइनस डीबी बाई डी टी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, यहीं से देख के आप बताइए. सो लिसन, वी कैन राइट माइनस डीबी बाई डी टी मीन्स रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ये लिख सकते हैं. दूसरा क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ बी, और भी इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस डीबी बाई डी टी को रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ बी, क्योंकि बी रिएक्टेंट डीकम्पोज होगा या टूटेगा और प्रोडक्ट बनाएगा. और भी क्या लिख सकते हैं, माइनस डीबी बाई डी टी को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी. नाउ वी विल कैलकुलेट, हमें क्या निकालना था, रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ ए निकालना था, निकल आया. जो कि इसके बाद निकालना था हमें रेट ऑफ चेंज इन कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ये भी